देखिए, थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें ये बात सामने आई थी कि एक लड़की के द्वारा ये बताया गया कि एक लड़का जिसने अपना नाम हर्षित चौधरी बताया था, उसने उससे शादी एक वेबसाइट के माध्यम से उससे मुलाकात हुई और उससे शादी की, लेकिन बाद में जब उसको जानकारी हुई कि उसके लड़के का नाम हर्षित चौधरी ना होके कुछ और है और जो असली नाम बाद में पता चला शहबाज खान है, तो इस बात पर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसने उसको अंधेरे में रखते हुए उसके साथ शादी रचाई और उसके साथ धोखाधड़ी की और जो उन्होंने तहरीर में दिया और भी गलत काम वगैरह किया है। इस संबंध में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और अभियुक्त भी गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शहबाज ने मेजर हर्षित बनकर 14 लड़कियों को फंसाया, शादी भी की, वंदे भारत में चोरी हुई तो खुल गया बहुत बड़ा राज। अलीगढ़ का रहने वाला शहबाज मेजर हर्षित बनकर पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता, फिर उनका शारीरिक शोषण करता। झारखंड की एक युवती जब पुलिस के पास पहुंची और वंदे भारत में चोरी की घटना की जाँच हुई तो उसके कारनामों का बहुत बड़ा खुलासा हो गया। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार अलीगढ़ का रहने वाला शहबाज मेजर हर्षित बनकर पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती किया करता, फिर उनका शारीरिक शोषण करता। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने कुछ समय पहले ट्रेन से सामान चुराने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया था। इस आरोपी ने अपनी पहचान मेजर हर्षित चौधरी बताई थी, लेकिन जाँच शुरू होने के बाद एक एक करके इस शख्स की सारी सच्चाई सामने आने लगी। रेलवे पुलिस वंदे भारत ट्रेन से बैग चोरी की जाँच कर रही थी, उस वक्त उन्हें एक शख्स इस बैग को लेकर जाता हुआ सीसीटीवी में नजर आया। पुलिस ने इस शख्स को धर दबोचा, जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को जांच में पता चला कि इस शख्स का असली नाम मोहम्मद शहबाज है और ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। शहबाज 2015 में आर्मी में भर्ती हुआ था और जून 2024 में अनफिट होने के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उसने हर्षित चौधरी के नाम से आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड और नकली मेजर आईडी बनाई, नकली राशन कार्ड भी बनवाया। वहीं 8 सितंबर को अलीगढ़ के बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में झारखंड की एक लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह शादी.com के जरिए शहबाज के संपर्क में आई थी। शहबाज ने उसे अपना नाम हर्षित चौधरी बताया और कहा था कि वह आर्मी में मेजर है। इसके बाद शहबाज ने 5 मार्च 2023 को उस लड़की को अलीगढ़ बुलाकर हिंदू विधि से शादी की। उसने अलीगढ़ में एक मकान किराए पर लेकर उसे वहीं पर रखा और धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आगे की जांच में पता चला कि शहबाज ने शादी.com के अलावा अलग अलग डेटिंग ऐप के माध्यम से आर्मी जवान की अपनी पहचान बताकर 14 लड़कियों को झांसे में लिया। जम्मू कश्मीर, सिलीगुड़ी, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, अलीगढ़ समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शारीरिक संबंध बनाए और लाखों रुपये हड़प लिए। अपनी लड़की के परिवार से मिलने जब भी जाता था तब अपनी फर्जी बहन को भी साथ ले जाता था। शहबाज पहले से ही शादीशुदा है, 2016 में उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। शहबाज के पिता एक रिटायर्ड आर्मी अफसर है और उसका भाई एयरफोर्स में है। शहबाज ने आर्मी ज्वाइन करने के बाद कई बार ऐसे काम किए जो आर्मी में प्रतिबंधित है, जिसे लेकर उसे कई बार सजा दी गई है। उसके इसी आरोपी कृत्यों के बाद उसे मेडिकल ग्राउंड पर आर्मी से निकाल दिया गया। अपनी जॉब के दौरान वो आर्मी कैंटीन में काम करता था, जिसके कारण उसे आर्मी के रैंक और बेज के बारे में सब कुछ पता था। इसी का फायदा उठाकर उसने मेजर की पोस्ट के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो बनवाए ही, साथ ही एक फर्जी पहचान को ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसने यूनिफॉर्म भी सिलवाई, जिसे पहनकर वह लड़कियों को फंसाता था। राजस्थान के भरतपुर के हर्षित चौधरी होने के फर्जी डॉक्यूमेंट से उसने बैंक खाता भी खुलवाया। इस खाते में 50 लाख के ट्रांजैक्शन भी हुए। जांच में निकली शहबाज की हकीकत से पुलिस को लगता है कि वह लव जिहाद से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज़।